नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में नहीं थम रहा जहरीली शराब का कारोबार। हाथरस में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 7 लोगों को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया। कुलदेवता के चढ़ावे में आई शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शराब बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार नहीं थम रहा है। यही वजह है कि हर रोज जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामला हाथरस जिले का है। यहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर मरीजों का इलाज जिला अस्पताल और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव में पारंपरिक पूजा के दौरान सभी ने देसी शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जिस पर शराब बेचने का आरोप लगाया था, उसे रात में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ जारी है। मौके से पुलिस ने कुछ खाली बोतलें भी बरामद की हैं, जिसकी स्कैनिंग के बाद पता चला है कि वो स्थानीय दुकानों से खरीदी गई हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम उन दुकानों पर छापेमारी कर रही है। आज यानी 28 अप्रैल को एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सुनील हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक बार फिर से यूपी में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जी अनन्या, मैं बता दूं कि हाथरस के थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगला दया का ये पूरा मामला है। यहाँ एक परंपरागत है तो एक देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि चढ़ावे के दौरान ये शराब के करीब 20 क्वार्टर आए हुए थे, जिसके पीने के बाद इन लोगों की हालत बिगड़ी है। इसमें एक व्यक्ति की मौत जो है वो कल ही हो चुकी थी और 4 की मौत आज हुई है। और जैसे इस मामले की जानकारी पुलिस महकमे को लगी तो आनंद फानंद में मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसपे इस शराब को बेचने का आरोप भी बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा। और वहीं जो मृतक है उन सभी के शवों को कब्जे में लेकर के पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं तमाम आबकारी विभाग पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो जहरीली शराब के जो तमाम मामले सामने आते हैं, जिससे तमाम लोगों की मौत हो चुकी है, इससे पहले भी तमाम मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जी अनन्या, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस महकमे के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पूजा अर्चना के दौरान जो शराब जो आई है, जो क्वार्टर आए थे, वो कहाँ से आए, किसके थ्रू बेचे गए या भेजे गए थे, या ये जो लोग हैं जिन्होंने पूजा अर्चना कराई थी, इस शराब को कहाँ से लेके आए थे, इन सभी मामलों में पुलिस जुटी हुई है। जो भी तथ्य सामने आते हैं, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो भी तथ्य इस पूरे मामले में सामने आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस व्यक्ति पर पुलिस ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया था, उसे पुलिस हिरासत में लेकर के कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि जो गाँव के लोग हैं, गाँव के परिजन हैं उनका, और विनीत जायसवाल SP हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत जी, पहला सवाल यही है कि बेहद गंभीर है ये मामला, एक बार फिर से शराब का कहर देखने को मिला यहाँ पर, जहरीली शराब का, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? ये देखिए, थाना हाथरस गेट क्षेत्र की घटना है और 26 अप्रैल को बताया गया है कि इन लोगों ने अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, जिसमें ये कुल देवता पे शराब चढ़ाते हैं और फिर शराब का ही प्रसाद का सेवन करते हैं। तो ये कुछ लोगों द्वारा 26 तारीख को ये शराब ली गई थी प्रसाद के रूप में, और कल देर रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में जो है 4 लोग की मृत्यु हो गई है तबियत बिगड़ने से। तो इस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। खुद मेरे द्वारा और जिलाधिकारी हाथरस द्वारा रात भर गाँव में कैंप करके ग्रामीणों से जानकारी की गई, क्योंकि ये सूचना भी हमें किसी और अन्य व्यक्ति ने दी थी, किसी परिजन ने नहीं दी थी। और ये जानकारी हुई कि 4 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, उसमें से एक को तो इन्होंने रीति रिवाज के साथ कल दोपहर या शाम तक दफन भी कर दिया। तो बाकी तीनों बॉडियों को हमने जो है इनसे कब्जे में लिया, उसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट में दूसरा प्रिजर्व किया गया है। कहां से खरीदी गई थी, इस बात को लेकर आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि और भी ऐसी बॉटल्स होंगी जो और लोगों ने खरीदी होंगी, तो बता रहा हूँ।
जब गांव वालों से उनके परिवार वालों से हमें जानकारी की तो 26 तारीख की घटना के बारे में उन्होंने बताया कि जब इनके यहाँ पूजा थी तो गांव का ही एक व्यक्ति है ये हरी राम करके, और जो उनसे 20 क्वार्टर शराब इन्होंने ली थी और हरी राम ने इनको ये बताया था कि हमने ये सरकारी ठेके से खरीदी था तो इसलिए इन्होंने ये शराब ले ली थी, जिसको पी कर इनकी कल तबीयत बिगड़ गई। तो ये हरी राम के खिलाफ नामजद इनके मुकदमा लिखाया गया है परिजनों द्वारा, और हाथरस गेट पुलिस ने हरी राम को जो नामजद आरोपी है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है, और उसके पास से छोटे छोटे कुछ देसी क्वार्टर के खाली बोतल बरामद किए हैं, जिनको जब स्कैन किया गया उनके बार कोड से तो जनपद हाथरस का ही सरकारी ठेका है वहां का जो है वो विवरण मिला है, और उस ठेके पे भी जो है हमारी आबकारी विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम पहुंची हुई है, पूरी दुकान को सील करके सभी सैंपल्स वहां से लिए जा रहे हैं, और बाकी जो अभियुक्त है हमारी कस्टडी में जिसे हमें गिरफ्तार किया है उससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है ताकि हम इसके पूरे तह तक पहुंचे कि ये गड़बड़ किसके लेवल पे हुआ है। बिल्कुल विनीत जी, कहीं ना कहीं कार्रवाई की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश से जो सामने आया है, ऐसे तमाम सारे मामले सामने आ चुके हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरह की शराब बनाई जाती है फिर वहां लोगों को बांटी जाती है और जिससे तमाम लोगों की मौत होती है सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब पीने से। जी कड़ी कार्रवाई होगी, इन पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई। चलिए विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। यूपी में नहीं थम रहा जहरीली शराब का कारोबार, हाथरस में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। सुनील हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।